नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वर्टिगोन टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, वर्टिगोन टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और वर्टिगोन टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि वर्टिगोन टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में वर्टिगोन टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। वर्टिगोन टैबलेट का उपयोग चक्कर आने की समस्या को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा वर्टिगोन टैबलेट का उपयोग सफर में जी मिचलाना, उल्टी आना या उल्टी आने का मन होना आदि समस्याओं को रोकने के लिए या ठीक करने के लिए भी डॉक्टर वर्टिगोन टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। सफर में जी मिचलाना, चक्कर आना, उल्टी आना या उल्टी आने की समस्या को रोकने के लिए डॉक्टर वर्टिगोन टैबलेट के साथ साथ वर्टिन टैबलेट को भी लेने की सलाह दे सकते हैं। वर्टिगोन एक ब्रांड नेम है। वर्टिगोन टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन सिनार्जिन 25 mg होता है। दोस्तों कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि वर्टिगोन टैबलेट को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। वर्टिगोन टैबलेट को खाना खाने के बाद लेना रेकमेंडेड होता है। आमतौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर सिनार्जिन 25 mg टैबलेट को दिन में 3 बार लेने की सलाह देते हैं। यदि आप सफर में जी मिचलाना या उल्टी आने की समस्या को रोकने के लिए वर्टिगोन टैबलेट को लेते हैं, तो वर्टिगोन टैबलेट को सफर में जाने से 2 घंटे पहले लेना रेकमेंडेड होता है। वर्टिगोन टैबलेट की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको वर्टिगोन टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना वर्टिगोन टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि वर्टिगोन टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में वर्टिगोन टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ % व्यक्तियों में वर्टिगोन टैबलेट की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे बदहजमी, नींद ज्यादा आना और वजन का बढ़ना आदि साइड इफेक्ट्स वर्टिगोन टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि वर्टिगोन टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में वर्टिगोन टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। वर्टिगोन टैबलेट के साथ आपको शराब का सेवन नहीं करना चाहिए और वर्टिगोन टैबलेट को लेने के बाद ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतर्कता की आवश्यकता होती है, क्योंकि वर्टिगोन टैबलेट को लेने के बाद कुछ व्यक्तियों को नींद ज्यादा आ सकती है, पार्किंसंस डिजीज होने पर और लिवर या किडनी की कोई गंभीर बीमारी होने पर वर्टिगोन टैबलेट को बहुत ही सावधानी से दिया जाता है, इसलिए इन कंडीशंस में डॉक्टर की सलाह के बिना वर्टिगोन टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को वर्टिगोन टैबलेट या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो ऐसे व्यक्तियों को वर्टिगोन टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं वर्टिगोन टैबलेट को ले सकती हैं या नहीं। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए वर्टिगोन टैबलेट का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है, इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को वर्टिगोन टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका वर्टिगोन टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।